फरीदकोट जिले के नव नियुक्त डीएसपी नारकोटिक्स सुशील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नशा के खात्मे लिए आम लोगों तो सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि डीजीपी की हिदायत और एसएसपी की अगवाई फरीदकोट जिले के नारकोटिक्स सैल बना दिया गया। इस तो इलावा नशा तस्करों को काबू करने के लिए भी विशेष मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत भगौड़े मुलजमान की निगरानी भी तेज कर दी गई है। नाल ही उन्होंने लोगों को अपील कर दिया है कि नशा तस्कर बारे वह पुलिस के नाल जानकारी सांझी रखना, जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। डीएसपी ने दसिया कि नशा प्रभावित बस्तियां अते पिंडां दे विच पुलिस वालों जागरूकता मुहिम शुरू की जाएगी, जिस दे विच सेहत विभाग की मदद ली जाएगी। मेरी बतौर डीएसपी नारकोटिक, मेरा नाम सुशील कुमार है, मेरी डीएसपी नारकोटिक के तौर पर फरीदकोट मेरी ट्रांसफर हुई है। और मैं समझना कि जो नारकोटिक हैगा एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्राइम इशू हैगा अजकल, और असी इनू मतलब इस मुद्दे पर जो फोकस करना है, वो फोकस करना है। और मेरा जोड़ा मकसद भी यो ही है, मैं एस एस पी साहब नाल मतलब सिटिंग हुई सी मेरी, उन्होंने जो मैंने डायरेक्शन दी वो मुताबिक मैं काम करना शुरू कर देना। मैं एक्चुअली डे बिफोर यस्टरडे और यस्टरडे भी साड़ी दो दिन थोड़ा बिजी रहे असी, और मेरी रीसेंट पोस्टिंग हुई है। तो मैं ये दसना चाहना कि क्राइम जोड़ा नारकोटिक्स है, असी इतने हूँ दोबारा मतलब ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। पहले क्राइम तो कंट्रोल करना पुलिस का काम है ही है, बट दिस विल बी द प्राइम ड्यूटी ऑफ द पुलिस। और असं ये की कर रहे हैं, असं जिन्हें नारकोटिक्स के जोड़े समगलर है, जोड़े पैडलर है, सप्लायर है, और उन्होंने पीओ जोड़े है, उन्होंने पहले असी टैप करा, उन्होंने वॉच रखा। और मैं देख रहा मुकदमे वगैरह चैक किए सारे, उन्होंने जोड़े कुछ ज़्यादा क्वानटिटी के मुकदमे जोड़े है उन्होंने असं फोकस करा कि उन्होंने हूँ इस वे जी प्रेजेंट एक्टिविटीज की है वो समगलर की, उन्होंने चैक कर रहे हैं। और सैकेंडली असं जोड़े आ पिंडा में जाके जोड़े पिंड जिते अडिक्ट लोग ज़्यादा है, असी उ सैमीनार वगैरह कंडक्ट करने हैं। और सैमीनार के असी देखना कि कुछ लोग जो जोड़े होंगे लड़के या जो नौजवान है या कोई यंग है, वो मतलब की हैगा कि वह इन्ने खुब चुके हैं कि उन्होंने कोई रस्ता नहीं मिल रहा कि असी ड्रग न किस तरह ये तो असी मतलब छुटकारा पाना। दैन वी हैव डिसाइडेड कि असी कोई डॉक्टर वगैरह ना स्कैटिस्ट डॉक्टर जोड़े है वो उन्होंने इंकलूड करके असी उन्होंने मोटिवेट करा, उन्होंने काउंसलिंग करा, ताकि असी उन्होंने ड्रग इस जरा जो दलदल फसे उन्होंने बहर कटिया जा सके। उस तो बाद असी जो डिडिक्शन सेंटर्स है उन्होंने जाके मैं खुद परसनली चेकांगा जाके उत्थे किस तरह के लोग जोड़े आ उ दाखिल होए हुए हैं। कई बार लगता है कुछ लोग होंगे जोड़े क्राइम करके छोटा मोटा वो पुलिस के नोटिस नहीं हों, जाके उत्थे एडमिट हो जाते हैं। और ये भी मैं पता है खुद, मतलब मैं खुद परसनली प्रैक्टिकल देखा, तो असी उस तरह के जोड़े उत्थे जाके देखा पेशेंट को कि किस तरह के वाकई वो अडिक्ट है या क्राइम करके तो उत्थे जाके छुप जाते हैं। इस तरह दी चीज़ां देखांगे, वो जो रियल मैनेज जो सही मैनेज वो है ड्रग अडिक्ट, पर असी उन्होंने डॉक्टर जोड़े है उन्होंने नाल मशवरा करके कि उन्होंने किस तरह ठीक किया जा सकता। असी पूरा कोशिश करांगे कि जिहड़ा साडा फरीदकोट है शहर इनू ड्रग फ्री बनाया जाए, जिन्हें लोग जोड़े अडिक्ट है उन्होंने असी प्रॉपर उन्हों का इलाज करावे, और जोड़े क्रिमिनल लोग है जोड़े सप्लाई करते हैं या बेचते हैं असी उन्होंने खिलाफ बिल्कुल सख्त तो सख्त कार्रवाई करा। ये मेरा सारे मैसेज है, और मैं पब्लिक को यह मैसेज दिना कि पब्लिक जी सा कोपरेट करे। जो सानू मैं अपना नाम जोड़ा, मेरा नाम सुशील कुमार है, मेरा नंबर जोड़ा है 6280018775 है। इस नंबर पर जो मैं कोई भी बंदा कोई पैट इन्फॉर्मेशन दिता है तो वह नाम और मोबाइल नंबर जो सीक्रेट रखा जाएगा, और आई अश्योर कि वह नंबर कितने भी डिस्कलोज किया जाऊगा। कई बार पब्लिक सर को इस करके नहीं आती कि पुलिस ने साड़ा जोड़ा अगे जोड़ा दस देना, बट आई गिव द अश्योरेंस कि यह इस तरह का नहीं होएगा। और देखो ये सारा जोड़ा जे अतवाद जो टैरोरिजम जोड़ा सीगा वो भी पब्लिक के कोऑपरेशन ही पुलिस खत्म कर पाई सी, इस करके ये भी एक किस्म का नारको टैरोरिजम है जिन्होंने असी खत्म करने वास्ते सानू पब्लिक का जोड़ा कोऑपरेशन जरूरी चाहिए। सर गल ये आँगी सर ने जो कोई नशे का जोड़े सेवन करते हैं उन्होंने फड़ लिया जाता है, पर जी तक नहीं जाया जाता गा जितों शुरुआत होंगी उतों तक पुलिस नहीं पहुँचती, इस करके जो खात्मा हो नहीं गया। नहीं मैं थोड़ी गल सहमत, लेकिन असं कोशिश कर रहे हैं जी। हूँ देखो जो भी सीनियर ऑफिसर वगैरह साडे डीजीपी साहब है, साडे एसएसपी साहब ने जो डायरेक्शन दी है वो अकॉर्डिंगली बिल्कुल असी जिहड़ा मतलब मेन जिहड़ा कल्पिट है जितों सप्लाई होंदी है मेन उतों तक असी पहुँचने की
100% कोशिश करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨਗਰ ਬਸਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਰੁਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਰਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਈ ਵਿਲ ਟ੍ਰਾਈ ਮਾਈ ਲੈਵਲ ਬੈਸਟ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਰੋਮਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ .com। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।